माई चैनल और आज हम जाने वाले हैं कहाँ भैया? मलकोविंदा। और ये हमारे कैप्टन साहब है जो हमें गाइड करेंगे, और ये जो आपको पीछे घर दिख रहा है वो इनका है। ताऊ जी बोलो। ताऊ जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तो ताऊ जी का ये घर है, ये भी हम बाद में आपको दिखाएंगे अच्छे से, पहले हम ऊपर जा रहे हैं, बहुत दूर है ना भैया। तो क्या क्या चीजें अपने साथ लेके जानी चाहिए? जब भी आप ऐसे ट्रैकिंग में जाते हैं, ये ट्रैकिंग ही हुई, और इसमें आपको सबसे पहले पानी का बंदोबस्त जरूरी है, उसके बाद चाय का बंदोबस्त, कहीं जहाँ पर प्यास लग गई तो वहाँ पर चाय, अपना थर्मस खोला लेके आए पीछे बैग में, बैग में सब कुछ है। अच्छा, साथ में आपके जो है स्ट्रेप्सिल्स होनी चाहिए, यहाँ पर ठंड का बड़ा प्रकोप है, तो इसलिए जो स्ट्रेप्सिल्स आपको गले की खराश, जो नीचे नाग देवता जी आते रहते हैं तो उनको थोड़ा लेफ्ट राइट करने के लिए, मारने के लिए नहीं है, उनको लेफ्ट राइट करने के लिए कर दिया और ना चले। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी और देखते हैं कैसा है कोलिंडा एंड मलकोविंदा। ये चलो। और दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, 11,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 11,000 की फैमिली हो चुकी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। गौर से देखिए इन इंसान को, ये है गांव के सबसे बड़े ककड़ी चोर, और आज हमने इन्हें अपने कैमरे में कैद कर दिया है। जो भी ये वीडियो देखेगा, सॉरी भैया, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। और वाकई दोस्तों, दुनिया के सारे आनंद एक तरफ और ककड़ी चुरा कर खाने का आनंद एक तरफ होता है, बहुत ही मज़ा आता है चुराई हुई ककड़ी खाने में स्पेशली, और बड़ी शान से हमें ककड़ी दिखा रहे हैं, लेकिन जब देखेगा ना कोई जिसकी ककड़ी होगी तब पता चलेगा। और अभी जो ये है, ये इनका कहना है कि वो ख़राब ककड़ी तोड़ते हैं, मतलब अभी सफाई दे रहे हैं ना वो, कि ख़राब ककड़ी तोड़ते हैं, और हमारी नज़र है इस ककड़ी में, देखते हैं भैया ये ककड़ी तोड़ पाएंगे या नहीं, उनकी नज़र पड़ रही है कि नहीं, और हमने कहा और उन्होंने तोड़ डाली। वाह, मज़ा आ गया, मतलब ककड़ी ही ककड़ी हो चुकी है हमारे पास। क्या आपने भी ऐसे ककड़ी चोर के खाई है? ज़रूर बताइएगा। स्वीटी ककड़ी के साथ बड़ी खुश नज़र आती हुई, तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिपाई हो रही है दोस्तों यहाँ पे, देखिए इस तरह लिपाई, इसमें क्या क्या मिलाया जाता है? गोबर मिट्टी, गोबर और मिट्टी। क्यों लगाया जाता है इसको ऐसे? किले लगन दिए थे गोबर मिट्टी गोमूत्र, ये जो है इससे एक तो मतलब उसकी रिपेयरिंग हो जाती है। अच्छा, दीवार की मतलब जैसे सीमेंट लगाते वैसे, ये करके हमारे गांव का सीमेंट है, ये हमारे गांव का सीमेंट है दोस्तों, देखो गोबर मिट्टी और हाँ, क्या आपके यहाँ भी ये वाला सीमेंट यूज होता है? जरूर बताइएगा। यही सीमेंट यूज करते हैं हम, और ऐसे पदगा देते हैं पदगाते हैं इसको, एक बार पदगाना किसको बोलते हैं दिखाओ, पदगाइए ये थोड़ा ऊपर पदगा, देखो जैसे ये खड्डा है तो इसमें हम पदगा देंगे, ये गड्ढा बंद हो गया, ये है हमारा सीमेंट, ये और बड़ी ही सावधानी से अभी हम चल रहे हैं भैया आगे से, घास फूस इधर उधर करते हुए, क्योंकि कल ही हमने सुना है कि यहाँ पर किसी को सांप ने काटा हुआ है, तो बहुत ध्यान से चलिएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत घना जंगल है और नीचे गांव है, और आप सब सवाल पूछते हैं कि क्या आपके गांव में शेर बाघ क्या नहीं आते, गुलदार नहीं आते, भैया से पूछते हैं क्योंकि भैया ही इस गांव में रहते हैं, तो भैया यहाँ आते हैं बाघ? बहन यहाँ पर बाघ तो आते हैं, बाघ आते हैं कभी, यहाँ हमारा गाँव जो है पूरा वन से आच्छादित है, बाई तरफ गाँव के महाराज राजेश्वरी दीवा जी का मंदिर है, मंदिर इनफैक्ट कूड़ी है अभी, मंदिर हम कोशिश करेंगे बनाएंगे, वो हमारे गांव की प्राथमिक पाठशाला है। अच्छा। इसका 1959 1949 की ये स्थापित है पाठशाला। अच्छा।
यहाँ पुराने टाइम पे पनाऊ गढ़सारी हरियालियों मल्ला कोलिंडा कोलिंडा जंगल में स्कूल ये है स्कूल बिल्कुल पास में हमारे राइट साइड में अभी ये पेड़ ये जंगलों से घिरा हुआ है तो नहीं दिख रहा है तो कितना बड़ा रिस्क है मतलब बच्चों के लिए बच्चों के लिए रिस्क तो है क्योंकि यहाँ पर आपके गुजार तो आता ही है साथ में रीछ भी आता है रीछ यानी भालू और शेर तो हमने देखे नहीं अभी तक ना हमने सुना है अच्छा और किसी पे हमला किया है कभी हमारे गांव में माँ भगवती राजराजेश्वरी की कृपा से अभी तक किसी पे हमला नहीं हुआ है अच्छा। हाँ इन पे जो ये है मवेशी हैं मवेशियों पे काफी बार हमला हो चुका है अच्छा पुराने पहले टाइम पे काफी एक बार तो करीब 9 बकरे 9 या 10 बकरे एक ही साथ मार दिए थे एक ही साथ खा गया मार दिए थे मार के लेके गया था एक दो बकरियां लेके गया था उसके बाद जो है फिर उसने गाय पे हमला किया गाय मार दी उसका बछड़ा मार दिया रात के वक्त आते होंगे ना भैया रात के वक्त आते हैं तो दोस्तों होते हैं यहाँ पर और मवेशियों को ज्यादातर अपना शिकार बनाते हैं है ना ये और उस चोटी पे व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा वो है दीवा जहाँ बहुत ही घना जंगल है और जाया जाता है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं बहुत ही संकरा यहाँ पर रास्ता है घना जंगल है तो बड़े ही आराम से हमें यहाँ पर चलना पड़ेगा। दोस्तों जो ये जगह है यहाँ पर हमेशा ठंडा रहता है क्योंकि बांज के पेड़ है और बहुत ही पतला रास्ता है तो बहुत संभल कर हमें यहाँ पर जाना पड़ रहा है। साथ में अपने डंडा जरूर ले ले ताकि आप घास इधर उधर कर पाए क्योंकि सांप का भी खतरा होता है। तो चलिए आगे चलते हैं और ये है हमारी दोस्त स्वीटी जो कि एक डॉक्टर है और हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि दादी का हमें इलाज करना है स्वीटी जी करेंगे तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा बैठ जाते हैं बहुत थकान लग गई है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चढ़ाई है और आप अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर ले जाएं ये तो आपको पता ही होगा ट्रैकिंग के वक्त और जंगल का खूबसूरत सा दृश्य सूरज की रोशनी और बहुत कुछ और ये था तो ज्यादा ही प्यास ले गया गटा गट गटकानी चाहे भाई बता रही है मैंने ऑक्सीजन O2 लिखा है H2O होना चाहिए मेडिकल स्टूडेंट आज तो 2 किलो कम हो ही जाएगा। और दगड़ियों आजकल पुंगड़ों बहुत ही ज्यादा काम हुई चु और ये घाम हम काम 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 करना लेंदी लोग। ये देखिए दीदी हमें हमारे साथ आ चुकी है जो कि स्वीटी को बचपन से जानती हैं। चलिए अब दीदी जी से बात करते हैं पहले स्वीटी मिल लो इनसे ज़रा खुद मिटा लो। तो गांव की क्या क्या समस्या है आपको मेन पानी की समस्या है पानी की मतलब पहाड़ में तो इतना पानी होता है फिर भी आपको पानी की दिक्कत घर में तो नल ही नहीं है हमारे गाँव में तो पानी हर घर में नल और नल में जल नहीं है आपके नहीं, नहीं। हमारे घर में पानी है ही नहीं फिर कहाँ से लाते हैं हम तो वहाँ से लाते हैं पंदेरे से लाते हैं। अच्छा तो आपने बोला नहीं कहीं शिकायत नहीं की कि हमारे यहाँ हाँ पर हमें दिया ही नहीं गांव वालों ने बेमानी की मतलब दिया ही नहीं पानी अब कह रखा है प्रधान ने कि अब देंगे हाँ चलिए आ जाएगा प्रधान से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द इनके घर पानी पहुँचाया जाए है ना हमें बता देना जब पानी आ जाएगा हम भी बोलेंगे। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए था यानी कि मल कोलिंडा हम पहुंच चुके हैं। बहुत लंबा ये रास्ता था और जो मेरे जीजा जी हैं राहुल ढोनियाल उनका नाम है कतर में वो रहते हैं दीदी और जीजा जी उन्होंने कहा कि जब भी आप गांव जाओ तो घर ज़रूर जाना तो सबसे पहले उनके ही घर आए हैं और आप उनके हाँ मैं उनके ताऊ जी अच्छा ताऊ जी हैं ये ताऊ जी को देख लो जीजा जी आप राहुल के ताऊ जी हाँ ये है मेरे जीजा के ताऊ जी जो तो जीजा जी लोग कब से नहीं है आए यहाँ पे ये तो बहुत दिन हो गए उनको तो कई साल हो गए 5-6 साल हो गए अच्छा कभी कभी आते होंगे कभी कभी आते बीच बीच में जब कोई खास काम होता है जब काम होता है कुछ बस उसी टाइम आते हैं बस बाकी तो आना जाना कहाँ लगा रहता है। अच्छा अभी कतर में रह रहे हो ना हाँ अभी कतर में रह रहे हैं और उनके मम्मी पापा कहाँ रहते किसके उनके मम्मी के पापा हापुड़ में रहते हैं हाँ वो लोग हापुड़ में रहते हैं और कभी कभी गांव आ जाते हैं क्योंकि जॉब वो बाहर करते हैं तो बाहर ही है पहले बाहर रहते पहले से बाहर रहते हैं। अच्छा शुरू से जब से मतलब पढ़ाई भी उन्होंने बाहर ही की है ना अच्छा पढ़ाई भी बाहर जब कभी कोई खास शादी ब्याह वगैरह या कभी अपना जो पूजा वगैरह होती तभी आते उनके दादाजी लोग यहाँ पे रहते होंगे हाँ
वो तो रहते थे ना कि वो भी बाहर ही चले गए थे, उनके दादाजी रहते थे। अच्छा। हाँ, तभी तो मकान है। दादाजी के बाद मम्मी पापा पहले मम्मी से पापा भी रहे, फिर मम्मी पापा जब मतलब बच्चे पढ़ने के लायक नीचे चले गए थे। अच्छा अच्छा, प्लेन्स में पढ़ने के लिए। तो देख लीजिए, ये है आपका घर। तो अब आगे जाएंगे हम। यहाँ पर कितने गांव है टोटल इस वाली जगह में? बिल्कुल घर छह छह घर है यहाँ पे टोटल। हाँ, ग्राम सभा तो कोलिंडा ये नीचे। अच्छा हाँ हाँ, लेकिन ये थोड़ा ऊपर है तो इसको ऊपर वाला हिस्सा। हाँ, तो मल्ला बोल देते, मल्ला तल्ला जो थोड़ा सा ऊपर होता है मल्ला बोल देते, तो नीचे तल्ला बोल देते। अगर नीचे होता है तो उसको तल्ला बोलते, ऊपर होता है मल्ला बोलते। तो यहाँ इतना ऊपर है, रोड बहुत दूर है, कितनी परेशानी, क्या क्या परेशानी होती है? नहीं, परेशानी तो ऐसा है कि आजकल के हिसाब से तो बहुत परेशानी है, लेकिन पुराने जमाने के हिसाब से कोई परेशानी नहीं है। उस वक्त तो कर्मठ होते थे, उस टाइम कर्मठ होते थे, आजकल तो फिर ऐसा है कि कभी कोई इमरजेंसी आ गई, मेडिकल की कोई दिक्कत आ गई, फिर तो फिर यहाँ से फिर ये ऊपर ऊपर भी रोड है जसपुर खाल में। अच्छा। यहाँ से आधा किलोमीटर ऊपर है। अच्छा, वहाँ पे हॉस्पिटल है? हाँ, नॉर्मल वैसी मतलब छोटे मोटे। तो कभी मेडिकल के लिए जाना होता है तो आप किस जगह पे ज्यादा जाते हो? यहाँ थैली सैंड बीरों खाल, और फिर ज्यादा ही होगा तो उसके बाद फिर रामनगर, काशीपुर, फिर धीरे धीरे श्रीनगर, दिल्ली। हाँ, ये सारा ही है। फिर लास्ट दिल्ली होता है, स्टॉप दिल्ली, बस दिल्ली, एम्स में। एम्स में जिधर भी हो मतलब कोई भी। तो हमारी स्वीटी यहाँ पर इलाज करने आई है, स्वीटी इंद्रेश हॉस्पिटल में डॉक्टर है, डॉक्टर साहब, गांव की डॉक्टर भी है, इनके पापा भी डॉक्टर है। स्वीटी क्या कर रही हो? हम शुगर चेक कर रहे हैं। शुगर यहाँ पे चेक हो रहा है, तेज बोलेंगे आप जरा? शुगर चेक कर, थक गई है ना ये। हम चढ़ाई चढ़ के आए ना, इसलिए हमारी आवाज डंप हो। और दादी आपको शुगर है? अरे, और कोई चेक करता है कि यही अनचेक करना? ना ना ना, ये अपने, अरे एक साल होगा, एक साल बाद निकाल चेक। अरे क्यों, शुगर तो चेक करना चाहिए ना दादा? जाना जी, फूटा काम नहीं करता। अरे यम धारा, यहाँ आना पड़ता है ना डॉक्टर को इतनी दूर। देखते हैं एक साल बाद इनका शुगर कितना हो चुका है। परहेज तो करती नहीं दादी? ये सिटी 234 बिना खाए। स्वीटी बताइए, 234 शुगर का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा है। नॉर्मल कितना होना चाहिए? नॉर्मल हमारा अभी खाली पेट का है तो 100 से कम होना चाहिए। 100 से कम होना चाहिए आपका 234। चलो डरिए मत दादी। सही बात। क्या क्या परहेज कर दे चाहिए आप? परहेज कर दे चाहिए। चीनी बिल्कुल नहीं लेते होंगे ना? ना बेली कटक लगा। कटक बोल दिया था ना, गुड़ भी शुगर ही होता है ना। मतलब इधर ज्यादा नहीं हुई, पर शुगर पेशेंट को बेली भी नहीं लेनी डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बेली लिटिल अमाउंट। अब क्या करने वाली हैं आप? अब हम बीपी चेक करेंगे। दादी आसपास कोई बीपी चेक कुछ नहीं है ना? कहाँ जाना पड़ता है आपको डॉक्टर के पास? जाना है तो थैली सैनी में आना पड़ता है, बहुत दूर है ना। चढ़ाई होएगा मेरे को ना, मिली चढ़ाई तो हो गई हमारी, तो आफत आ गई। अब हम बीपी चेक करने वाले हैं डॉक्टर साहब। तबीयत ठीक लग रही है ना? एक साल से इन्होंने शुगर भी चेक नहीं कराया। ये है 148.99, मेरे हिसाब से 100-120 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कितना? 140 तक चलेगा। 140 80। तो इनका क्या है बीपी? अकॉर्डिंग टू WHO 120/80 है। अच्छा 120/80, लेकिन इनका है 148/90। हाई ज्यादा नहीं है, शुगर ज्यादा है, लेकिन बीपी ठीक है। दवाई देंगी आप इन्हें? स्वीटी आप इन्हें दवाई देंगी डॉक्टर साहब? नहीं, बीपी की नहीं देंगी, लेकिन शुगर की ऑलरेडी लेती हैं। क्या आपकी अभी ऐसी बिल्ली?
ये कौन है सिया? ये जो आपके हाथ में भुटकू भुटकू, ये कैसा नाम है भुटकू? अच्छा ही है वो, अच्छा ही नाम है। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो दूसरा। तुम्हारे गांव का नाम क्या है? उधर चलो, आपके गांव का नाम बताओ। मुझे नहीं पता है। नहीं पता? स्कूल का नाम वो भी नहीं पता। कोई पोएम आती है? नहीं। अच्छा, कोई गाना आता है? हाँ, गाना सुना दो। एक छोटा सा है। हाँ सुनाओ। ला 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 के कांटे कांटे पे घोड़ा। हाँ बहुत अच्छा गा रही है। और गाओ तो घोड़े में मारा मारा हथौड़ा तोड़ा 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 तुम दबा। वाकई दोस्तों, हम जिंदगी भर पैसों और सुविधाओं के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन यकीन मानिए जो सुकून यहाँ है करोड़ों अरबों खर्च करके भी आप नहीं पा सकते हैं। और घरों की छतों में देखिए यहाँ पर L लिखा हुआ है। भैया से जानते हैं क्यों लिखा हुआ है? लिखा गया है अभी किसी के ऊपर L लिखा है, किसी के ऊपर चार खाने लिखे हुए। तो अभी L मतलब ये डेजर्टेड मकान है, ये छोड़ा हुआ है। और इनका अब एरियल सर्वे हुआ, पूरे गांव के जो है एरियल सर्वे हुआ। एरियल सर्वे के बाद जो अपना गूगल मैप है उसमें इनको डाला जाएगा। अच्छा। जो ये खेत हैं अपने बंजर पड़े हुए हैं, इन खेतों को जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसरीन भूमि घोषित कर देगी। कैसरीन भूमि घोषित करने का एक सरकारी उसमें चला जाएगा उसके बाद। और उसके बाद जो भूमिहीन लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। अच्छा। तो मेरी सभी भाइयों से अनुरोध है, सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि वो आएं और अपनी जो खेती है उसको चलता करें। और ये वास्तव में देव भूमि है, और देव भूमि की जो ज़मीन है हमारे बाप दादाओं की ज़मीन, और आज इसका ये हर्ष हो रहा है, इसका मुझे बड़ा दुख है और इनफैक्ट सभी को दुख होना चाहिए। और इसको जो है वापस जिंदा करना चाहिए हमें, इस ज़मीन को। ये ज़मीन सोना उगलेगी, अगर हम मेहनत करेंगे तो सोना उगलेगी। बिल्कुल सही बात की है भैया ने। तो चलिए अब खीरा खा लेते हैं, ककड़ी। और आप कहीं गए, खीरे का सीज़न और आपको ककड़ी ना मिले हो ही नहीं सकता। और लूण के साथ, यानी कि जो नमक होता है पिसा लूण हम कहते हैं, उसके साथ ककड़ी खाने का मज़ा ही अलग होता है। क्या आपके यहाँ भी पिसा हुआ लूण बनता है? मिर्च और नमक, ये लहसुन पीस के मुझे ज़रूर बताइएगा। और स्वीटी को आ गया है लालच। अब स्वीटी हमें बताएंगी कि कैसे उन्हें लग रहा है। ये खाया स्वीटी ने ककड़ी, और एक्सप्रेशन से लग रहा है बड़ा मज़ा आ रहा है, वाव भी कह दिया है इन्होंने। और मुझे पता है आपको भी ककड़ी खाने का मन कर गया होगा। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।